केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन हमारे काम से करिए, तो आज मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया, पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, आज मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 36 स्कूल बनाए अपने शासनकाल में, हर साल 36 स्कूल। आम आदमी पार्टी ने हर साल 6 स्कूल। कांग्रेस पार्टी ने 10 कॉलेज बनाए, आम आदमी पार्टी ने 0। 4 विश्वविद्यालय बनाए कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 21 अस्पताल बनाए कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 22,000 अस्पताल के बेड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने 3,000। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासनकाल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी है। अनऑथराइज कॉलोनीज का जो रेगुलराइजेशन है, 1500 कांग्रेस पार्टी ने कराई, आम आदमी पार्टी ने 0। उन्होंने लोकपाल का वादा किया था, लोकपाल भी नहीं किया अभी तक। आज सुबह के अखबार में लिखा था कि फिर से मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोकपाल कराएंगे। बिजली कंपनी पे सीएजी का ऑडिट की बात की थी, वो भी नहीं कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने मेहनत की आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने, तो किस तरह की मेहनत की, कितना काम किया, कितना विकास हुआ दिल्ली का उनके शासनकाल में।